पैमाने पर उतरे पाक और चीन। भारत के स्टॉप से गुजरेगी पाक चीनी बस। भारत ने विरोध में जताई कड़ी नाराजगी। भारत की नाराजगी से चीन ने झाड़ा पल्ला। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे उससे कोई भी नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। लेकिन अपनी काराना हरकतों से भारत के लिए परेशानियां पैदा करने वाले पाकिस्तान ने तब हद कर दी जब उसने चीन के साथ मिलकर पाक अधिकृत कश्मीर से बस सेवा की शुरुआत का ऐलान किया। जी हाँ, ये बस चीन और पाकिस्तान के बीच बन रही सड़क CPEC से होकर गुजरेगी, जिस पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। भारत के लिए ये उसकी स्वतंत्रता पर हमला है। वहीं चीन के मुताबिक CPEC का भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय विवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा चीन ने ये भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर से चीन और पाकिस्तान के बीच गुजरने वाली बस पर भारत के विरोध के बारे में उसे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, उसने ये जरूर बता दिया कि CPEC जहाँ से बस गुजरने वाली है उसका भारत और पाक के क्षेत्रीय विवाद से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 4 दिवसीय चीनी यात्रा पर जा रहे हैं और ये बस सेवा इमरान खान के दौरे से पहले ही शुरू कर दी जाएगी। वहीं भारत ने इस प्रस्तावित बस सेवा को लेकर कड़ा विरोध जताया है। भारत CPEC का विरोध करता है क्योंकि इसका रास्ता पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक साल 1963 का तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौता अवैध और गैर कानूनी है, इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से इस तरह की कोई भी बस सेवा भारत की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होगी।